So hello everyone, welcome back to my channel. Today we'll be starting off with the sixth section of the Companies Act 2013, which is mentioned as shares. So let's get started with the nature of shares first. Section 2, subsection 84 of the Companies Act 2013 defines the term share, which means a share in the share capital of company and includes the stock. According to Section 2, subsection 84 of Companies Act 2013, share यानी कि एक ऐसा part company की share capital में जो किसी मेंबर के पास है. अ शेयर दस रिप्रेजेंट्स सच प्रोपोर्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर एज द अमाउंट पेड अप देयर ऑन बियर्स टू द टोटल कैपिटल पेबल टू द कंपनी. यानी कि शेयर उस प्रोपोर्शन ऑफ इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है जो कि एक मेंबर होल्ड करता है पैसे देकर कंपनी की कैपिटल में. इट इज अ मेजर ऑफ द इंटरेस्ट इन द कंपनीज असेट्स टू विच अ पर्सन होल्डिंग अ शेयर इज एंटाइटल्ड. यानी कि उस शेयर से पता चलता है कि उस इंसान के पास कितना इंटरेस्ट है कंपनी के प्रॉफिट्स में, ठीक है, या फिर कंपनी के असेट्स में. शेयर इज एन इंटरेस्ट इन द कंपनी. शेयर कंपनी का एक इंटरेस्ट है जो कि लोगों के पास और मेंबर्स के पास होता है. Farewell Justice in Barland Trustees versus Steel Bars and Company Limited observed that a share is not a sum of money but an interest measured by a sum of money and made up of various rights contained in the contract. यानी कि शेयर एक पैसे को या एक मनी डिनोमिनेशन को दिखाता नहीं है. यानी कि शेयर एक इंटरेस्ट है जो कि मनी के टर्म्स में मेजर किया जाता है और उस शेयर से हमें वेरियस टाइप्स ऑफ राइट्स पता चलते हैं उस मेंबर्स के जो कि कॉन्ट्रैक्ट में मेंशनड है. कौन से कॉन्ट्रैक्ट में? शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट में मेंशनड होते हैं. इंक्लूडिंग द राइट टू सम ऑफ मनी ऑफ अ मोर और लेस अमाउंट. ठीक है, यानी कि वो राइट जो कि आपको पैसा लेने का है कंपनी के असेट्स या प्रॉफिट से. यू शुड नोट दैट द शेयर होल्डर्स आर नॉट इन द आईज ऑफ लॉ पार्ट ओनर्स ऑफ द अंडरटेकिंग. लॉ की नजरों में जो शेयर होल्डर्स हैं वो उस अंडरटेकिंग के ओनर नहीं है. द अंडरटेकिंग इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम द टोटैलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स. वो अंडरटेकिंग जो है वो शेयर होल्डर्स की टोटैलिटी से डिफरेंट है. द राइट एंड ऑब्लिगेशन अटैचिंग टू अ शेयर आर दोज प्रिस्क्राइब्ड बाय द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द एसोसिएशन. जो भी राइट और ऑब्लिगेशन एक शेयर से अटैच है वो सारी राइट्स और ऑब्लिगेशन कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में स्पेसिफिकली मेंशनड होती हैं. It must, however, be remembered that a shareholder has not only contractual right against the company but also certain other rights which accrue to him according to the provisions of the Companies Act. यानी कि ये हमें नोट करना है कि एक shareholder के पास सिर्फ contractual right नहीं है, उसके पास कुछ ऐसे right भी हैं जो कि Companies Act उसको provide करती है. Other than the rights which are provided in the contract between the shareholder and the company, उसके पास ऐसे right भी हैं जो उसको Companies Act provide करती है. Now, what are those rights? वो अब हम देखते हैं. Share कैपिटल हमारी दो तरह की होती है. एक होती है इक्विटी शेयर कैपिटल जिसमें हमारे इक्विटी शेयर्स होते हैं और एक होती है हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिसमें प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं. इक्विटी शेयर कैपिटल विद यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स या फिर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स. सो व्हाट आर द इक्विटी शेयर कैपिटल विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, यानी कि इन्हें हम DVRs भी बोलते हैं, जिसमें एक शेयर पर आप दो वोट दे सकते हैं या फिर एक शेयर पर आप 6 वोट दे सकते हैं. इस तरीके से हमारे डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स होते हैं. यूनिफॉर्म वोटिंग राइट यानी कि अगर आपके पास एक शेयर है तो आप एक वोट ही दे सकते हैं. अगर आपके पास एक शेयर है तो आप 4 वोट अगर दे सकते हैं तो वो DVR है. ठीक है, नाउ शेयर्स आर अ मूवेबल प्रॉपर्टी. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द शेयर और डिबेंचर्स और अदर इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर इन अ कंपनी शैल बी मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल इन अ मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी. कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 44 के अकॉर्डिंग शेयर डिबेंचर्स या कंपनी की कोई भी सिक्योरिटी जो कि स्टॉक एक्सचेंज पर अगर लिस्टेड है तो वो ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी. और वो कैसे ट्रांसफरेबल है? वो उस प्रोसेस से ट्रांसफरेबल है जो कि कंपनी के आर्टिकल्स में मेंशनड है. नाउ शेयर शैल बी नंबर्ड. सेक्शन 45 प्रोवाइड्स एवरी शेयर इन अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल शैल बी डिस्टिंग्विश्ड बाय अ डिस्टिंक्टिव नंबर. यानी कि सेक्शन 45 के अकॉर्डिंग कंपनी का जो भी शेयर है वो उस शेयर का एक अलग नंबर होना चाहिए. दिस इंप्लाइज दैट एवरी शेयर शैल बी नंबर्ड, यानी कि हर शेयर का एक नंबर होना चाहिए. हाउएवर दिस शैल नॉट अप्लाई टू अ शेयर हेल्ड बाय अ पर्सन हुज नेम इज एंटर्ड एज शेयर ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन सच शेयर इन रिकॉर्ड्स ऑफ अ डिपॉजिटरी. लेकिन दिस शैल नॉट अप्लाई टू अ शेयर हेल्ड बाय अ पर्सन हुज नेम इज एंटर्ड एज होल्डर ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट. ठीक है, अब हमने ये पढ़ा था माइनर के केस में बेनिफिशियल इंटरेस्ट, यानी कि माइनर शेयर होल्डर नहीं बन सकता है लेकिन वो अपने जो उनके गार्जियंस होते हैं उनके नाम पर वो शेयर्स होल्ड कर सकता है एज अ बेनिफिशियरी.
ठीक है। तो अगर ऐसे शेयर्स किसी माइनर के पास हैं या फिर किसी ऐसे इनकम्पिटेंट पर्सन के पास हैं, फॉर एग्जाम्पल पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, तो ऐसे शेयर्स अगर किसी के पास है तो उन शेयर्स को हम काउंट डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि वो एज अ बेनिफिशियरी उसने वो होल्ड कर रखे हैं। नाउ काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड द काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 43 में मेंशन है कि हमारे कितनी टाइप्स हैं शेयर कैपिटल की। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर शैल बी ऑफ टू काइंड्स, नेमली। तो उस प्रोविजन के अकॉर्डिंग अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, यानी कि कोई कंपनी अगर लिमिटेड बाय शेयर है, तो उसकी दो कैपिटल हो सकती हैं। एक है इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरी है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट्स और विद डिफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड, वोटिंग और अदरवाइज इन अकॉर्डेंस विद प्रिस्क्राइब्ड रूल्स। तो इक्विटी शेयर कैपिटल भी हमारी दो तरह की होती है, एक होती है विद यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स और एक होती है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। लेट अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सिक्स, इट इज टू बी नोटेड दैट टाटा मोटर्स इन 2008 इंट्रोड्यूस्ड इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स कॉल्ड ए इक्विटी शेयर्स इन इट्स राइट इशू। यानी कि टाटा मोटर्स ने अपना राइट इशू निकाला था इन द ईयर ऑफ 2008, जिसमें उन्होंने इक्विटी शेयर्स इशूड करे थे जो कि DVR थे, यानी कि जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के थे। इन दिस इशू एवरी 10 ए इक्विटी शेयर कैरीड ओनली वन वोटिंग राइट बट वुड गेट 5 percentage points मोर डिविडेंट देन दैट डिक्लेयर्ड ऑन ईच ऑफ द ऑर्डनरी शेयर। अब इस इशू में उन्होंने ये क्या कहा था कि अगर किसी एक इंसान के पास 10 इक्विटी शेयर है तो वो एक वोट दे सकता है, लेकिन उसको ज्यादा डिविडेंट मिलेगा, यानी कि उसको ऑर्डनरी शेयर से 5% ज्यादा डिविडेंट मिलेगा। यानी कि आपको उसमें उन्होंने ये कहा था कि आपको डिविडेंट या प्रॉफिट तो ज्यादा होगा, लेकिन आपकी मैनेजमेंट पावर कंट्रोल कम हो जाएगी। अगर आप एक शेयर लेते हैं तो आपको एक वोट मिलता है, ठीक है, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया कि जब आप 10 वोट लेंगे तो तब हम आपको एक वोट देंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल वोटिंग राइट होता है। टाटा मोटर्स ने अपना जब राइट इशू इंट्रोड्यूस करा था 2008 में, तो उन्होंने ए इक्विटी शेयर्स के नाम से अपना राइट इशू करा था, जिसमें उन्होंने इक्विटी शेयर्स ये करे थे कि कोई इंसान अगर उनके 10 शेयर इशू करता है, 10 शेयर को लेता है, तो उन्हें एक वोटिंग पावर मिलेगा, लेकिन ऑर्डिनरी शेयर से 5% ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। यानी कि आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न तो वो ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन आपकी मैनेजमेंट पर कंट्रोल की पावर को वो कम कर रहे हैं। सिंस ए इक्विटी शेयर डिड नॉट कैरी द सिमिलर वोटिंग राइट, इट वॉज ट्रेडेड एट डिस्काउंट टू अदर कॉमन शेयर हैविंग फुल वोटिंग, ठीक है। तो सिंस इनके ऊपर सिमिलर वोटिंग राइट नहीं थे, तो इनको स्टॉक एक्सचेंज पर डिस्काउंट में ट्रेड किया गया था अदर देन द ऑर्डिनरी शेयर। अदर कंपनीज विच हैव इशूड इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट प्रॉपरली कॉल्ड DVRs आर फ्यूचर रिटेल, जैन इरीगेशन अमंग अदर्स। तो टाटा मोटर्स के अलावा ऐसी कंपनीज जिन्होंने शेयर्स विद DVR इशू कर रखे हैं, उनके नाम इसमें मेंशन है, जो कि है हमारी फ्यूचर रिटेल और जैन इरिगेशन, ठीक है। नेक्स्ट, शेयर कैपिटल के बाद हमारी दूसरी कैपिटल आती है इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद, जो कि है हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हाउएवर दिस एक्ट शैल नॉट अफेक्ट द राइट्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हु आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। यानी कि इस एक्ट में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के राइट पर अफेक्ट नहीं पड़ेगा जो कि पहले से ही मेंशन थे। अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 43, इक्विटी शेयर कैपिटल विद रेफरेंस टू एनी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मींस ऑल शेयर कैपिटल विच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग इक्विटी शेयर कैपिटल वो शेयर कैपिटल है जो कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, ठीक है। दिस इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन कि अगर कोई आपसे पूछे कि इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल इज दैट कैपिटल ऑफ द कंपनी विच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की डेफिनेशन क्या है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर दैट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विद रेफरेंस टू एनी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी कि ऐसी कंपनी जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर है, उसमें अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, मीन्स दैट पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी विच कैरीज अ प्रेफरेंशियल राइट विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट। यानी कि ऐसी शेयर कैपिटल जिसमें आपके ऊपर प्रेफरेंशियल राइट है, जिसमें आपको एक प्रेफरेंस मिलता है, किससे रिलेटेड प्रेफरेंस मिलता है, सबसे पहला प्रेफरेंस मिलता है आपको पेमेंट ऑफ डिविडेंड का, इधर एज अ फिक्स्ड अमाउंट और एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट अ फिक्स्ड रेट विच में इधर भी फ्री और सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स, ठीक है। एक तो आपको प्रेफरेंशियल राइट मिलता है कि आपको डिविडेंड सबसे पहले मिलेगा, किससे पहले मिलेगा, इक्विटी वालों से पहले प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड मिलेगा, या तो आपको फिक्स अमाउंट मिलेगा सेम
25,000 आपको हर महीने मिलेंगे या हर साल मिलेंगे, या फिर एक फिक्स्ड रेट यानी कि 9% मिलेगा, ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट का। बट आपको फिक्स्ड अमाउंट हमेशा दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले, तो आपको इसमें एक प्रेफरेंस मिलती है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों से पहले आपको अमाउंट दिया जाएगा। देन रीपेमेंट इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल पेड अप और डीम्ड टू हैव बीन पेड अप, वेदर और नॉट देयर इज अ प्रेफरेंशियल राइट टू द पेमेंट ऑफ एनी फिक्स्ड प्रीमियम और प्रीमियम ऑफ एनी फिक्स्ड स्केल स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पेमेंट ऑफ डिविडेंड पर प्रेफरेंशियल राइट मिलेगा कि इक्विटी वालों से पहले आपको डिविडेंड मिलेगा, और अगर इन फ्यूचर हमारी कंपनी वाइंड अप हो जाती है या फिर लिक्विडेट हो जाती है, तो उस टाइम पर जब आपकी कैपिटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज बचकर जो कैपिटल बचेगी, उस कैपिटल में से सबसे पहले कैपिटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कैपिटल रीपे होती है, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों की कैपिटल रीपेमेंट होती है। ठीक है, सो सबसे पहला प्रेफरेंशियल राइट आपको मिलता है डिविडेंड से रिलेटेड, और दूसरा प्रेफरेंशियल राइट आपको मिलता है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में, जो कि अकर होता है ड्यूरिंग बाइंडिंग अप और लिक्विडेशन। नाउ एक्सेप्शन इन दिस केस इज इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी सेक्शन 43 शैल नॉट अप्लाई वेयर मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट कंपनी सो प्रोवाइड। सो ऑब्वियसली ये जो सेक्शन 43 है ये प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में हमारे शेयर्स पब्लिक को इश्यू होते ही नहीं है, सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू द प्राइवेट कंपनी। ठीक है, सो दिस वॉज इट अबाउट द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, की शेयर कैपिटल दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसमें फर्दर आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स और डीबीआर। अगर डीबीआर पे आपका क्वेश्चन आता है, सो यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ टाटा मोटर्स, उन्होंने 2008 में ए इक्विटी शेयर्स इशूड करे थे, जिसमें आप 10 शेयर्स लेकर आपको एक वोटिंग पावर मिलती थी, लेकिन ऑर्डिनरी शेयर से 5% ज्यादा डिविडेंड मिलता था। ठीक है, और कुछ अदर कंपनीज जिन्होंने शेयर्स इशू कर रखे हैं वो है फ्यूचर रिटेल, जैन इरिगेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में आपको बताना है कि इक्विटी शेयर कैपिटल वो कैपिटल है विच इज अदर देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज दैट कैपिटल ऑफ कंपनीज शेयर कैपिटल जिसमें आपको प्रेफरेंशियल राइट मिलता है ओवर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन। एक्सेप्शन सिर्फ ये है कि सेक्शन 43 आपकी प्राइवेट कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं होगा। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।